बीए कम मॉरिक सब मैं ही हूँ। अच्छा, क्योंकि इंसान को प्यार में ऑलराउंडर होना चाहिए। तो आप ऑलराउंडर हैं? यस यस यस। ऐसे ऑलराउंडर मत आप कुछ कहें, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको सब कुछ खुल के बताना होगा। सर, मैं सब कुछ खुल के बताना है। बात यह सर, मेरे ऑफिस में लड़की है, वो एक ही है। कुछ ज्यादा ही खास है सर, मेरे लिए कुछ ज्यादा ही है। उम्र सर, मैं 25 साल का हूँ। ओ, तुम्हारी नहीं उस खास लड़की की। सर, वो खास लड़की की क्या है कि सर एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि मैंने उससे कभी पूछी नहीं। नहीं नहीं पूछनी चाहिए लड़कियों से उनकी उम्र। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आप करते क्या है, आपका प्रोफेशन? सर, मैं कॉल सेंटर में काम करता हूं। कॉल? आपको नहीं लगता कि कॉल रेट कुछ कम होने चाहिए? 30 रुपए का रिचार्ज कराओ, 30 दिन भी नहीं चल पाता है। बताओ सर, बताओ, आप बताओ, आपकी शादी हो गई? नहीं सर, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। बच्चे? जब आप बच्चे थे तो पढ़ने में कैसे थे? आई मीन कौन से स्कूल में पढ़ते थे? क्वाड? सर, ये मतलब पढ़ाई लिखाई का समस्या से क्या लेना देना है? देना देना है आपको, मेरी हर बात का जवाब देना है। सर, वो बात यह है कि जब मैं पढ़ता था तो मैं तो साधारण समझता, वो लड़कों वाला स्कूल होता ना, उसी में पढ़ा था। पढ़े थे? पढ़ने में कैसे थे आप? ठीक था। ठीक ठीक, अरे ठीक ठीक बताओ, आप पढ़ने में कैसे हो? मैंने कहा ना, सब कुछ खुल के बताना होगा। सर, ठीक से मेरा मतलब पढ़ने में अच्छा हुआ करता था, मतलब लेने के मेरी पर्ची बन जाती थी। ठीक ठीक। आप ये जिम में इससे पहले भी कोई लड़की थी? नो सर। सर, सर में कौन सा तेल डालते हो? मतलब सर के तेल से समस्या का क्या लेना देना? देना है आपको, मेरी हर बात का जवाब देना है। नारियल का? का आपको काका पसंद है या अमिताभ बच्चन, मतलब राजेश खन्ना या बिग बी? जी बिग बी। बी बी बी, आपको बीवी गर्लफ्रेंड जैसी चाहिए या गर्लफ्रेंड बीवी जैसी चाहिए? सर देखिए, आप उससे कह रहे हैं मुझे आपको सब कुछ खुल के बताना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ सर। वो ऑफिस में मतलब मेरे साथ काम करती है, लेकिन सर वो क्या है कि वो सब लोगों से खुलकर बात करती है, लेकिन मुझसे सर मेरी तरफ मुंह उठाकर नहीं देखती सर। सबके साथ सर हंसती हंसती बोलती है और सर मुझे देखती भी नहीं है, मुझे हमेशा अवॉइड करती है सर। सर बताइए ना सर, सर मुझे क्या करना चाहिए? चाहिए चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए। उस लड़की की तरफ से भी आपके जीवन में प्यार चाहिए। जी 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 जी, जीवन में प्यार पाने के लिए उस लड़की का पसंद नापसंद चीजों को जानो। अच्छा, पसंद की चीजों को अपना बना लो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये होगा कि उसकी लाइक और डिसलाइक को जानो। हाँ, हाँ। 7 दिन के भीतर अगर मुझसे मिलो, हाँ। और जब मिलो तो सब कुछ खुलकर बताना होगा। जाओ। वर्मा सर, शुरुआत शुरुआत कैसे करोगे? टिकट फिल्म का टिकट फिल्म का टिकट शुरुआत फिल्म से करो। थैंक यू। 20 320 320 220 रुपए फिल्म का टिकट या 100 रुपए कंसल्टेंसी फीस? 320 प्रॉपर चैनल। कौन सा चैनल? प्रॉपर चैनल असिस्टेंट। असिस्टेंट? अच्छा, असिस्टेंट को देना है। असिस्टेंट साहब। वो 2 टिकट थे जो हंगल साहब ने मुझे दे दिए थे, और अब मैं वो टिकट लेकर मालिनी को फिल्म के लिए इनवाइट करने जा रहा। मालिनी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मालिनी मालिनी, इंपॉर्टेंट वर्क? ओके। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वीकेंड चल रहा है ना मालिनी, तो ऑफिस में ज्यादा लोग नहीं है, काम भी कम है, तो क्यों ना शाम को मूवी देखी जाए। मेरे पास मूवी के 2 टिकट हैं, अगर तुम साथ चल सको तो। मालिनी ने इस बार भी जवाब में श्योर श्योर नहीं कहा। उसकी आंखों में एक सांध्यकालीन आकाश सा उभरा। उस आकाश के कई रंग थे, उन्हीं रंगों में से एक रंग था मजबूरी का, जिसे मैंने फौरन पहचान लिया। शेष रंग मेरे लिए अजनबी। सर, मैं जरूर चलती, लेकिन पिच
टीचर और मैं, मैं जानता था कि एक शिष्ट इनकार है, पोलाइट रिजेक्शन, और दोबारा कहना मेरे स्वभाव के विपरीत। सर आप किसी और को ले जाइए ना, आपके तो कितने सारे दोस्त हैं, घोष, शुक्ला, पर पिक्चर और मैं। स्पष्ट था कि मालिनी मेरे साथ जाना ही नहीं था। ना जाए ना सही, अब मैं कभी मालिनी से कहने वाला भी नहीं था। भाई मालिनी को जब मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों उसके लिए मरूं। भाड़ में जाए, हाँ हाँ भाड़ में जाओ। गई, चली गई, सचमुच चली गई। अब इसको संभाल, हटो, आबादी बहुत बढ़ गई है आजकल। वर्मा, मालिनी गई क्या? हाँ चली गई। हैं, चली गई तो फिर अपन भी चलते हैं, ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया है। चलो चलो चलो। वर्मा एक बात पूछनी थी, ये बताओ तुम्हारी प्यार की पॉलिसी मैचर हो गई क्या? नहीं हुई ना? कैसे होगी, क्योंकि उसकी प्रीमियम तो मैं पे करता हूँ। वर्मा कद्दू संभल के खाना, आजकल टमाटरों में बहुत कीड़े आ रहे हैं। हाँ अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सॉरी आपकी टिकट वेस्ट तो नहीं गई? नहीं मतलब तुम क्या कल से यही सोच रही थी मालिनी? सर वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से आपके पैसे वेस्ट हो, मगर आप तो जानते हैं ना पिक्चर और मैं और पिक्चर, पिक्चर और मैं और पिक्चर, क्या पिक्चर पिक्चर? नहीं वो कद्दू संभल के खाएंगे। क्या? नहीं वो मतलब वो शुक्ला, शुक्ला को साथ ले गया था मैं फिल्म में। ये आपने अच्छा किया। अब मुझे वापस अपनी पुरानी वाली अवधारणा पर लौटना पड़ा कि मालिनी मुझसे नफरत नहीं करती। भाई अगर मालिनी मुझसे नफरत करती होती तो क्या जरूरत थी मालिनी को इस तरह से सॉरी फील करने की? लेकिन मालिनी मेरे साथ और तरह और की व्यवहार नहीं करती, पर यार वो हमेशा पर पिक्चर ही तो कहती रही है। हो सकता है कि मालिनी पिक्चर देखती ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि मालिनी किसी पुरुष के साथ पिक्चर नहीं देखती हो, कुछ भी तो हो सकता है। खैर उसके बाद मैंने कभी भी मालिनी को फिल्म देखने के लिए इन्वाइट नहीं की, लेकिन मैं खुद तो फिल्म देखना छोड़ नहीं सकता। अकेले जाना अच्छा नहीं लगता था, किसी और को साथ ले जा नहीं सकता था, मालिनी मेरे साथ जाना चाहती नहीं थी। मालिनी क्यों नहीं जाना चाहती थी उसने कारण कभी नहीं बताया था, लेकिन मैं जानता था कि इसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। अगर मालिनी मुझे शुरू में ही सब कुछ सच बता देती तो मेरी सारी उलझन समाप्त हो जाती, लेकिन मालिनी इस विषय में ठीक उन भारतीय लड़कियों की तरह थी जो किसी भी तरह के रिजेक्शन का स्पष्ट कारण बताने में।